बोलिए भाग। ठीक है चलिए। अरे यार बैठिए, बोलना होगा बोलना, बैठिए। आप इल्ड नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट इल्डिंग प्लीज टेक द सीट। आप बोलते रहिए, आप ओनली योर स्पीच विल बी रिकॉर्डेड, नो अदर। मेंटल डेंटल आतंकवाद, ये सबसे बड़ा हमारा पार्लियामेंट के ऊपर हमला, अक्षरधाम पर हमला। टेररिस्ट से बड़ा वो भी टेररिस्ट है जो आस्था के जगह को, बाबरी मस्जिद को शहादत करके गुजरात को जलाने का काम किया, दुनिया में सर झुकाने का काम किया। मुलायम सिंह ने ठीक कहा, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद क्या सीपीएम सीपीआई के लोग लाल किला को आप गिरवाना चाहते हो? लाल किला गिरवाना चाहते हो? सरकारें रहेगी, आएगी और जाएगी। आज सारा देश देख रहा है कौन है धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक, कौन है सेवियर ऑफ द मुस्लिम। लोग बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है जी, कमरालाइज करना चाहते हो वोट बैंक के लिए। देश का ये पूरा पाकिस्तान अमेरिका के मामले में अमेरिका के साथ डील के साथ है। चीन ने किया, रूस ने किया। ये जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी हमारी यहाँ की आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी गांधी बाबा की आइडियोलॉजी है। हम सत्य न्याय के सहारे, हमारे पुरखों ने जालियाना वाला ना संघार, शहीदों का शहीद भगत सिंह कुर्बानी देके हमने ब्रिटानी सरकार को सात समुंदर पार किया। वो आइडियोलॉजी पुरानी पड़ गई है सलीम साहब, जार खत्म हो चुका है। रानी महारानी की बात खत्म हो गई है। भगत सिंह और सुभाष श्लोक शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आजादी के लड़ाई के दिनों में जो साथ रहे थे, आप उनका साथ दे रहे हो? पता करिए किसके साथ आप जा रहे हो आजादी के। देश हमारा, मैं बताना चाहता हूं, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लालू यादव, जितना ही वोट आज होने वाला है 290 से बेसी, ये सारे देशभक्त हैं। और हम किसी भी कीमत पर, कहीं भी महोदय, ये जो प्रोविजन है 45 कंट्री है, उस कंट्री में हम किसी से ले सकते हैं, हम अपना सामान ले सकते हैं। जो सप्लाई ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया से, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, रूस से ले सकते सामान ले सकते हैं महोदय, और कोई खैरात में नहीं। अगर किसी देश को नहीं सूट करता है तो जो 14 सेक्शन है उसमें डाइवोर्स करने का भी प्रोविजन। ओके गुड बाई टाटा, आजकल डाइवोर्स बहुत होता है, इसलिए कि अरेंज मैरिज नहीं हो रहा है, बेकार का बात हो रहा है। इसलिए डाइवोर्स का भी प्रोविजन है, डाइल्यूट करते हैं आप कंफ्यूज करते। हाँ ठीक है, याद आ गया, हमको एक लिख के लाए हैं हम। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बिल्कुल है ये हमारा लेखा महोदय, ये रेलवे का, ये रेलवे का टर्न अराउंड। बात कह रहे थे आडवाणी जी, देखिए आडवाणी जी ठीक है, कोशिश है अपना करते हैं, करना चाहिए, पाइपलाइन में रहना चाहिए, लेकिन लाल किस आडवाणी वाजपेयी जी नहीं ना है। वाजपेयी जी का कुछ वोट दूसरे ढंग से भी मिलता था, अब ये सब जुट गए हैं। सुना मायावती जी का नाम, अब ये मायावती जी का नाम, ये बीजेपी का, ये सारा नाम सुन के ये सब आपस में आईसीयू में नहीं गए हैं, मैंने स्वस्थ लोग रहे, कोशिश करते रहे। हम पर सीबीआई का केस नहीं चल रहा क्या? हमारे बीएसपी के साथ ही चले गए।
अब मत आना वोट के समय तक, आप स्वाभिमानी लोग हो, मत लड़ना चुप जाओ। मैं आप सीबीआई का केस हम पर चल रहा, हमारा 24 एमपी महोदय लोकसभा का एक भी फेवर हमको कोई बता दे कि कांग्रेस और प्रधानमंत्री जी ने या सोनिया जी से हम कोई फेवर लिए हो, केस हमारे खिलाफ सीबीआई लड़ रही है। लालू यादव रावणी देवी पर जब केस हुआ तो ये केस रिकॉर्ड है, यहां निकाल के देखे बहुत है, इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन को नाम यहां लिया गया कि मुख नंबर पर कौन आदमी का नाम है। स्वर्गीय गुप्ता जी नहीं है, होम मिनिस्टर थे, सेना बुलाया गया हमको गिरफ्तार करने के लिए इस देश में। सीबीआई के खिलाफ हम बोलते रहे, सीबीआई का इस्तेमाल किसने किया, ये कौन लोग थे। महोदय आज भी केस हमारे ऊपर है, अगर सीबीआई पर प्रभाव डालती सरकार, मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, सोनिया गांधी जी को, ये फॉल प्ले करने वाले लोग नहीं है। केस है, दूध का दूध पानी का पानी फैसला होगा। मायावती जी पर अगर केस है तो उन्होंने अपना कागज पत्र बनाया है, ठीक ही बनाया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गवर्नर ने जब कांग्रेस की कोई बात थी, गवर्नर ने तो अप्रूवल नहीं दिया, हमारे खिलाफ तो गवर्नर अप्रूवल दिया। इसलिए आजकल राजनीति में फैशन हो गया कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कहा जाता कि सरकार फंसा रही है, सरकार फंसा रही है। फंसाने से कोई फंसता है? फंसाने से नहीं फटता। मैं विरोधी था बादल जी को जब कैप्टन ने केस किया था, ये लेग पुलिंग नहीं होना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ केसबाजी मुकदमाबाजी हमने कभी भी नहीं सराहा और न आज करते हैं, और बिहार में हमारे साथ हुआ हो रहा है। बहुत सारी बातें ये सब चलते रहती है महोदय, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी, देश का निष्ठावान प्रधानमंत्री जी और सक्रिय फाइज सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी नौजवान नेता उदयमान कालावती नाम रहे थे, कालावती नाम गांव की बेटियों का है, ये मखौल उड़ा रहे थे, डंपी पंपी नाम रहता तो इनको अच्छा रहता, ये डिमोरलाइज करना चाहते, डिमोरलाइज करना चाहते, बोलना देना चाहिए, अवसर है। इसलिए देश के किसान भाइयों को हम बिजली देना चाहते। महोदय कोयला नहीं है आपके पास, बाहर से कुकिंग कोल हम ला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया, वासरी में जाता है प्लांट चलने के लिए दादा, और ये हमारे पास कोयला का भी स्टॉक नहीं है, और कोयला ढोते ढोते हमारा रेल का पहिया किया गया है। फ्यूल का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम मनमोहन सिंह जी नहीं बढ़ाते हैं, किरासन तेल का दाम नहीं बढ़ाते हैं, दुनिया में हमको जितना जरूरत है भारत में नहीं है, बताना नहीं चाहिए था आप लोगों को। आपने कितना बार बढ़ाया, कितना सब्सिडी हम दे रहे हैं, और तेल की बात तो लोग भूल गए, हम जो भी कमाई कर रहे हैं हमको तेल के मामले में हम चुसा के हमारा पैसा बाहर जा रहा। चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर जी बैठे हैं, ये यहां देश के किसान गरीब मजदूर नौजवान गेहूं चावल मक्का बंपर खेती काम का अधिकार, बेकारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो 100 दिन का, हमारी सरकार ने गरीबों को काम का इंतजाम, क्या बोलते हैं काम नहीं मिला, गुप्ता जी बोलते हैं जॉब नहीं मिला, सड़कों का निर्माण, राज्यों को राज्य में हम ही मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी भी रही है, दिल्ली से पैसे नहीं मिलते थे, आज राज्यों के वित्तीय हालत कितनी